दोस्तों अगर आप भी एक क्रिकेट फैन हैं तो 3 लाख लोगों की तरह आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन करें जिससे क्रिकेट से रिलेटेड सभी लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज आपको लगातार मिल सके। दोस्तों भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज बेहद निराशाजनक नजर आ रही है, क्योंकि जो क्रिकेट सभी क्रिकेट फैंस देखना चाह रहे हैं वैसी क्रिकेट यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। वेस्टइंडीज की टीम पूरी तरह बदल चुकी है और सभी नए प्लेयर्स प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं, और जिस कारण से कहीं ना कहीं ये अनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर टेस्ट की बेस्ट नंबर 1 टीम से भिड़ने में पीछे नजर आ रहे हैं। और ऐसे ही कुछ देखा गया भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में। दोस्तों आपको बता दें ओडीआई सीरीज और टी20 सीरीज जो होने वाली है भारत और वेस्टइंडीज के बीच में, इसमें क्रिस गेल, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, सैमुअल बद्री और मार्लन सैमुअल्स की वापसी तय मानी जा रही है। और जिसमें अगर बात की जाए तो क्रिस गेल, आंद्रे रसल, सुनील नारायण की वापसी ओडीआई में, और सुनील नारायण, सैमुअल बद्री, मार्लन सैमुअल्स और दो बड़े प्लेयर्स क्रिस गेल, आंद्रे रसल, ये टी20 टीम का भी हिस्सा होंगे, ये बिल्कुल तय माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए टेस्ट मैच की जो भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाना है, इसमें अब वेस्टइंडीज के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड टीम में बदलाव कर सकता है। और ओडीआई टी20 में जो इन दिग्गजों की वापसी हुई है इन्हें अब टेस्ट मैच में भी मौका दे सकती है। दोस्तों ऐसा करने के लिए वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड को इनकी पेमेंट बढ़ानी होगी जो 2014 में कम कर दी गई थी। और दोस्तों कहीं ना कहीं अगर ये 5 बड़े दिग्गज टेस्ट टीम का हिस्सा होते हैं तो भारतीय प्लेयर्स के लिए बेहद मुश्किलों का सामना करना होगा, बॉलर्स के साथ साथ सभी बैट्समैन को भी ट्रबल करना होगा। और कहीं ना कहीं अब भारत और वेस्टइंडीज के बीच टक्कर का टेस्ट मैच हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी यही चाहते हैं, एक अच्छा क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करें। और आपके हिसाब से आपकी क्या ओपिनियन है कि क्रिस गेल, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, सैमुअल बद्री और मार्लन सैमुअल्स ये टेस्ट मैच का हिस्सा हो पाएंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन हमें जरूर दें। और क्रिकेट से रिलेटेड कुछ और लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप अभी RS एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करके रखें। धन्यवाद।